हाय गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज क्रिसमस है और इधर यूरोप में बहुत ज्यादा लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या खा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या खा रहे हैं और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम चिकन रोस्ट करते हैं। चिकन रोस्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ 3/4 चम्मच क्रश चिली, 2 बड़ी चम्मच तंदूरी मसाला, 1 छोटी चम्मच नमक, 3/4 छोटी चम्मच सुरख मिर्च, 1 आधी चम्मच जिंजर गार्लिक यानी के लहसुन और अदरक, 1 छोटा लेमन का जूस, 2 बड़ी चम्मच योगर्ट और 8 या 10 पीस चिकन। चिकन का मैरिनेट तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट यूज करूंगी और फिर इसके अंदर हम योगर्ट डालेंगे और साथ ही हम मसाले और लेमन जूस भी मिक्स कर देंगे। मसाला अब ठीक तरह मिक्स हो गया तो मैं इसके अंदर 1-2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने चिकन को कट लगाया है। कट लगाने से मसाला अंदर तक जा सकता है और चिकन ठीक तरह पक जाएगी। चिकन को ठीक तरह मैरिनेट लगा के हम इसको पूरी रात के लिए रख देते हैं। अब सुबह हो गई है तो मैंने बेकिंग ट्रे को तैयार कर दिया, उसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगाया है। जौन सा मैरिनेट बच जाएगा आप उसको या तो चिकन पर लगा सकते हैं या हम इसके अंदर आलू मैरिनेट कर सकते हैं। ओवन में डालने से पहले मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर रही हूँ। कवर करने से ये चिकन जलेगी नहीं। चिकन को हमने टोटली 1 घंटे के लिए पकाना है, लेकिन हमने इसको बार बार देखते जाना है कि ये जले नहीं और कि ये ठीक तरह पक रही है। बाकी मैरिनेट के अंदर मैं थोड़े से और मसाले डाल रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर आलू मैरिनेट करूंगी। ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये रोस्ट पोटैटो सबसे अच्छे बनेंगे और आई होप कि आप लोग भी ये ट्राई करें। आलू को मैंने वेजेस में काट दिया तो इसको मैं मैरिनेट करूंगी 1/2 घंटे के लिए। आधा घंटा अब गुजर गया और हम चिकन को चेक करते हैं। अब चिकन आधी पक गई हुई है तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और साथ ही हम आलू भी अंदर रख देते हैं। चिकन तो बहुत मजेदार लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी रेडी नहीं है तो इसको अब मैं दोबारा फॉइल लगा के इसको ओवन में डालने लगी हूँ और तब तक पकने दूंगी जब तक चिकन और आलू ठीक तरह पक जाए। अब दोबारा 1/2 घंटा गुजर गया है तो हम चिकन और आलू को निकाल के फॉइल उतार के अब ऐसे 1-2 मिनट पकने देंगे। इससे हमारे चिकन और आलू से गोल्डन होंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। चले, चिकन रोस्ट तो अब तैयार हो गया तो आज हम मटर पुलाव शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, 1 टमाटर, 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट, 350 ग्राम्स चावल, 2 सब्ज़ मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 15-20 काली मिर्च, 2/3 छोटी चम्मच जीरा, 2 या 3 लौंग, 1 छोटी सी दालचीनी और फ्रेश या फ्रोजन मटर। सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन करते हैं। प्याज अब ठीक तरह गोल्डन हो गया तो इसके अंदर हम लहसुन और अदरक डाल के उसको भी 1-2 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पका देते हैं। अब 1-2 मिनट गुजर गया और लहसुन और अदरक ठीक तरह फ्राई हो गया तो इसके अंदर हम टमाटर और सब्ज मिर्च डाल के इसको भी ठीक तरह पकने देते हैं। साथ ही मैं अंदर मसाले भी डाल दूंगी और इसको भी ठीक तरह फ्राई होने दूंगी। अब मैं अंदर मटर डालने लगी हूँ। आज मैं फ्रोजन मटर यूज करी इसलिए मैंने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर यूज करें आप इनको तब तक पकाएं जब तक वो ठीक तरह पक जाए। पूरे किचन से बहुत मजे की खुशबू आ रही है, आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपको कैसी लगी है। अब हम पानी डालने लगे तो जब हम पानी डालेंगे हमने याद रखना है कि 1 कप चावल के लिए हम 1 और 1/2 कप पानी डालेंगे। जब पानी उबल जाए हम अंदर चावल डाल सकते हैं और इसको पकने देंगे। चावल को अब मैं ढक्कन के बगैर पकने दूंगी और मैं इनको तब तक पकने दूंगी जब तक पानी नियरली खत्म हो जाए। पानी अब खत्म हो गया तो इसको हम 10 मिनट के लिए सिमर होने देते हैं लो हीट पर।
सिमर करने के लिए या तो हम इसको टिश्यू से कवर कर सकते हैं या हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम ढक कर रख देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए सिमर करते हैं। चावल तो अब बहुत प्यारे पक गए हैं और मेरे खाने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी हमने मैश पोटैटोज भी पकाने हैं। मैश पोटैटोज रोस्ट चिकन के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं और सबसे अच्छी बात यह भी है कि वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। मैश पोटैटोज पकाने के लिए हमें इतनी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 आलू चाहिए, नमक और काली मिर्च, ये हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। डबल क्रीम, अगर आपको ज़्यादा थिक आलू चाहिए तो आप ज़्यादा डबल क्रीम डालें और अगर थोड़ी सी कम थिकनेस चाहिए तो आप कम डबल क्रीम डालें। हम बटर भी डालेंगे, आज मैं 1.5 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। और दूध भी हम डाल सकते हैं, मैं थोड़े से डालूंगी लेकिन दूध डालना ज़रूरी नहीं है। आलू को मैंने छोटे पीस में काट के इसको ठीक तरह धो दिया, तो हम इसको अब उबाल लेते हैं। इसके अंदर मैं नमक भी थोड़ा सा डाल रही हूँ कि उसके अंदर थोड़ा सा जायका आ जाए। जब आलू पक जाए हम पानी निकाल के इसको मैश कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं 1.5 स्पून बटर डालूंगी और इसको हम ठीक तरह विस्क कर लेंगे। जायके के लिए मैं अंदर आधी चम्मच काली मिर्च भी डाल रही हूँ। अब मैं अंदर 150 मिलीलीटर डबल क्रीम डाल दूंगी और इसको भी मैं ठीक तरह विस्क कर लूंगी। आलू अब काफी थिक हो गए हैं और जैसे कि आपको नज़ारे बहुत मजेदार लग रहे हैं, तो इसको हम अब सर्व कर देंगे और आज अब हम टेबल तैयार करें। चिकन रोस्ट के साथ ग्रेवी बहुत मजेदार लगती है, तो मैं ग्रेवी अब तैयार कर रही हूँ। हमारा मील अब तैयार हो गया और जैसे कि आपको नजर आ रहा है बहुत मजेदार लग रहा है, तो आज आप भी आए और आप भी खाएं। आई होप कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है प्लीज आप लाइक कर दें और आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कौन सी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।